हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय टीनाज एक्टिविटी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मैं भी अच्छी हूँ। आज फ्राइडे, अभी 7:30 हो रहा है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटी जा रही है स्कूल, आज उसके स्कूल पे एग्जीबिशन है, शी इज़ वेरी एक्साइटेड। तो चलिए उसे भेज दो, फटाफट घर का काम सब करके मैं भी रेडी हो लेती हूँ। कहाँ जाना हो रहा है? स्कूल आज बेटी का स्कूल में एग्जीबिशन है। देखिए एकदम हम लोग बन ठन के रेडी हो गए, आप लोगों को भी लेकर चलेंगे। ओ, सावन के महीने में हरी हरी चूड़ी, हरी हरी चूड़ियाँ, कलरफुल साड़ी, रंगीला साड़ी, कितना सारा कलर। ये मेरा सासू माँ का साड़ी है। हम लोग भी रेडी हो चुके, एकदम बन ठन के निकल रहे हैं। देखिए मैं कैसे लग रही हूँ बताइएगा। तो चलिए बेटी के स्कूल जाते हैं, आज उसके एग्जीबिशन्स है। आज सब्जेक्ट एग्जीबिशन है, मीन सब सब्जेक्ट्स लेकर के होगा, और आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन फिर और कोई दिन होगा शायद ईयर एंडिंग में। तो चलिए आप लोगों को भी थोड़ा घुमाती हूँ बेटी के स्कूल। चलिए चलते हैं अंदर। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑल्सो, मेरे साथ आप लोगों को अभी वेलकम है मेरी बेटी के स्कूल पे। तो देखिए है ना ये कितना ब्यूटीफुल स्कूल। तो सही में ये स्कूल बहुत ही अच्छा है, और ये मेरे स्कूल का नेबरिंग स्कूल है। एंड यहाँ पे एग्जीबिशन स्टार्ट हो चुका है, हॉल पे आ चुकी हूँ। देखिए कितना खूबसूरत बच्चा लोग सब काम किया है, आँख तो मीन्स हट ही नहीं रहा था। तो चलिए बेटी का जहाँ पे हो रहा वहाँ चलते हैं। अभी उसका ड्यूटी इंग्लिश एग्जीबिशन पे परा है, तो वो वहाँ पे ड्यूटी दे रही है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्राउड फील होता है ना जब आपके बच्चे लोग इतना टैलेंटेड स्मार्ट हो जाए, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ माय डॉटर, लाइक इतना अच्छा से करती है ना, बहुत अप्रिसिएशन भी मिलता है उसे स्कूल्स वगैरह में। एंड शी इज़ वेरी हेल्पफुल, हर एक काम में आगे रहती है। एंड शी इज़ द रेप ऑफ हर हाउस, लाइक येलो हाउस, फेथ हाउस। तो मुझे तो प्राउड बहुत ही फील होता है, हर एक माँ को ही ऐसा फील होता है, आई नो दैट। Thank you.
मेरी बेटी का हिंदी एग्जीबिशन है, ये उसकी फ्रेंड है। तो हर एक बच्चा का ड्यूटी पड़ता है, जितने गेस्ट आते हैं उन लोगों को समझाओ, एक्सप्लेन करो। तो सब कोई बहुत एक्साइटेड होते रहते हैं समझाने के लिए, तो मैं भी ठहर जाती हूँ, ठीक है चलो तुम लोग अपना अपना काम करते रहो। अच्छा लगता है व्हेन दे एक्सप्लेन अस। तो हर एक काम देखिए कितना बारीकी से इन लोग करते हैं, बहुत इतना खूबसूरत लग रहा है ना। ये पायरेट्स लोग को देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, मींस इन लोग का एफर्ट से दिखता है, दिल से इन लोग मींस इतना करते हैं ना। क्यों मेरी बेटी भी कुछ हफ्तों से लगे हुए थे तो अपने कामों पे। राजस्थान ये हिस्ट्री एग्जीबिशन क्लास है। यहाँ पे एक एक काम देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है, रुके सामने से दिखाती हूँ, देखिए बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। ये बच्चे लोग कितना मेहनत किए देखिए, एरोप्लेन, स्टीम इंजन, टेलीस्कोप, टेलीफोन, देखिए ये भी बच्ची देखिए एक्सप्लेनेशन में ही लगी हुई है, गेस्ट लोग को समझाने में लगी है। और ये छोटे छोटे बच्चे लोग को देखिए, ये क्लास 3 की बेबीज है, बीहू एंड क्या क्या लेकर के बैठे, मतलब अपना कल्चर को सोशल स्टडी देख भी रही है, मैं इसे कैप्चर कर रही थी ना, ये मुझे बहुत अच्छे से देख रही थी। देखिए सब कोई अपने अपने कामों पर भी मीन्स बहुत ही बिजी है सब। और अच्छा लगता है पता है, सब अपने काम करने के बाद ना रिव्यूज़ मांगते हैं, मैम रिव्यू प्लीज़, बहुत अच्छा लगता है। देखिए सबका काम ही बहुत अच्छा से हुआ है, बहुत बहुत अच्छा से। यहाँ पे ग्रीनरी देखिए, पॉपकॉर्न देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, वाओ वाओ कितना खूबसूरत है। तो जब मैच आई देखने के लिए तो मैं सोची क्यों ना आप लोगों से भी थोड़ा बहुत शेयर किया जाए, आई होप आप लोग भी इंजॉय करोगे। बच्चे लोग का छोटा छोटा काम अप्रिशिएट करते हैं हम लोग, और हम लोगों को करना भी चाहिए। दिस इज़ हिंदी एग्जीबिशन, ये आज इन लोगों का सब्जेक्ट एग्जीबिशन हो रहा है। ईयर एंडिंग में और एक एग्जीबिशन होती है, वो आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन होती है। तो हमारे टाइम एक ही एग्जीबिशन होती थी, बट अभी ये डिवाइड करके पार्ट बाई पार्ट होता है। अच्छा है, बच्चे लोगों पर एक ही बार उतनी प्रेशर नहीं पड़ेगी, वो भी अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे भी सब बच्चे लगे हुए हैं अपने अपने ड्यूटी पे। मेरी बेटी को एक हिस्ट्री पे ड्यूटी पड़ी थी, एक इंग्लिश में ड्यूटी पड़ी थी, इंग्लिश ड्यूटी तो उसका हो ही चुका है। थैंक यू। देखिए ये कंप्यूटर सेक्शन है, कितना अच्छा से उन लोग कंप्यूटर कीपैड और ये सब सब बनाए, सब अपने हाथ से इन लोग बनाए। देखिए आर्टिफिशियल फ्यूचर कंप्यूटर, देखिए तो हमारा फ्यूचर कंप्यूटर ऐसे होने वाला है। देखिए बहुत अच्छा से इन लोग एकदम एक्सप्लेनेशन के संग बता रहे हैं। Wow.
चलिए चलते हैं मेरी बेटी की हिस्ट्री एग्जीबिशन की तरफ। उन लोग को थीम मिला था जीसस के बर्थ के बारे। ये मेरी बेटी और उसकी टीम का वर्क है। देखिए एक एक मॉडल बच्चे लोग क्ले से बनाया है, बहुत ब्यूटीफुल है। बारीकी से देखिए, नज़दीक से खूबसूरत है ना। आप लोग भी बताना कैसा लगा, ज़रूर कमेंट करके बताना। लाउडली आई कांट हियर यू। चलिए अब निकल रही हूँ, हो गया एग्जीबिशन घूमना। आई होप आप लोग भी घूमे हो एग्जीबिशन हमारे साथ। तो अब
स्कूल से निकलने की बारी है, अब चलती हूँ घर। एंड आप लोगों को भी कैसा लगा बताना। देखिए माय डॉटर्स ब्यूटीफुल स्कूल। तो चलिए अब निकलने की बारी, घर चलते हैं। घर पे जाके भी बहुत काम है, इवनिंग में थोड़ा बाहर निकलना है, किसी से मिलना है, तो वो भी एक एक्साइटमेंट बहुत है अंदर। तो आज का वीडियो कैसा लगा बताना। अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट शेयर करना, ढेर सारा प्यार देना और मेरी बेटी को ब्लेसिंग्स देना। फिर मिलते हैं नए दिन नए वीडियो के संग। टेक केयर, टाटा।